हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 9th और 10th अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो ये आप अगर सोचें कि आप एक ही बार 2 से 3 महीनों के कवर करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप रोज़ के 10 मिनट जो मैं कोशिश करता हूँ निकाल पाऊँ, आप लोगों का भी काम सिर्फ यही है कि आप 10 मिनट रोज़ इसको दें, ताकि जब आप एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 महीने के पढ़ेंगे तो आपको सब के सब करंट अफेयर देखे हुए लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने 9th और 10th अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जो हमारी 8th अगस्त की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ने, बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना जो 2016 का रेगुलेशन था उसे अमेंड किया है, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने 2017 का भी रेगुलेशंस को अमेंड किया है। किसके रिलेटेड है ये? तो ये है आपका वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के रिलेटेड। तो इन्हें अमेंड किया गया है। आपको बताना है चेयरपर्सन और हेडक्वार्टर कहाँ पर है IBBI का। नेक्स्ट की हम बात करें तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया है अपना IFSC गाइडलाइंस को, जो 2015 से एलिजिबिलिटी शेयर होल्डिंग लिमिट थी क्लियरिंग क्रॉप एट IFSC। अब IFSC आपका है क्या? अगर हम बात करें तो ये है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अब इसको ये अपने IFSC कोड से कंफ्यूज ना करें, ये है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इनकी गाइडलाइंस जो थी 2015 से उसे चेंज किया है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था शेयर होल्डिंग लिमिट का उसे चेंज किया गया है। इस नॉर्म्स के तहत अब काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि 51% स्टेक जो होगा वो अब होगा आपका एक्सचेंज ऑफ और क्लियरिंग ऑफ कॉरपोरेशन के लिए। तो सेबी के चेयरमैन हैं आपके अजय त्यागी जी, इन्हें अभी 18 महीने का एक्सटेंशन मिला है, और हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। सेबी को आप लोग सिडबी से कन्फ्यूज़ मत करें, सिडबी का हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ में। तो इसे आपको इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो IIT खड़गपुर के जो आपके रिसर्चर्स हैं, उन्होंने गांधीनियन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 का जीता है। किसके लिए जीता है आपको अब ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। आपको याद है पूछा जाएगा किसने, कहाँ के रिसर्चर्स ने जीता है, या तो आपको पूछा जाएगा किस फील्ड के लिए जीता है, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है, क्लीन एनर्जी रिसर्च के लिए जीता है। IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने ये अवार्ड। IIT खड़गपुर आपको पता है न्यूज़ में और भी कई चीज़ों के लिए था। IIT खड़गपुर के डायरेक्टर हैं वीरेंद्र कुमार तिवारी जी, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि किस किस चीज़ के लिए जीता है। एग्ज़ाम में आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके आपसे इन क्वेश्चंस को इस तरह से पूछा जाता है। तो गवर्नमेंट ने फॉर्म किया एक पैनल अंडर RODTEP। अब RODTEP है क्या? तो ये है आपका रीमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए क्या है, कौन हेड करेंगे, जो पैनल बनाया गया है, तो इसका आपको नाम याद रखना है इनका, यह है जीके पिल्लई जी इसको हेड करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर यह प्रोजेक्ट आएगा पूरा। कौन है यूनियन मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन जी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है आपको ये भी बताऊंगे, ये हैं आपके अनुराग सिंह ठाकुर जी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। पैनल जो बनाया गया है, आपको डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि RODTEP है क्या, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है। एग्जाम में आजकल चीज़ें इसी तरह से घुमा के पूछी जाती हैं, डायरेक्ट नहीं आती। यूनियन मिनिस्टर हैं जो टेक्सटाइल की, स्मृति ईरानी जी, इन्होंने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, और एक वेबसाइट को लॉन्च किया है हैंडलूम मार्क स्कीम के लिए। अब हैंडलूम मार्क स्कीम बेसिकली करेगी क्या, तो ये जो भी आपके जितने भी वीवर्स हैं, तो जो आपका अभी आपको पता है 6th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया था 7 अगस्त को, उनके लिए ये बनाई गई है। इस वेबसाइट पोर्टल का नाम क्या है, तो इसका नाम है माई हैंडलूम। तो ये चीज़ भी आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ये इंडिविजुअल वीवर्स के लिए होगी या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होगी, जिसके तहत ये अपनी चीज़ों को और एडवर्टाइज कर सकेंगे। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने किया है DIAL। अब DIAL है क्या? DIAL आपको पता है ये है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, इन्होंने स्टार्ट किया है एयर सुविधा।
जो पहली ही है अपनी तरीके में, जिससे होगा आपका इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर को के लिए एक पोर्टल सा तैयार किया गया है। अब ये पोर्टल काम किस तरह से करेगा, तो ये क्या करेगा, ये जितने भी आपको अभी पता है COVID-19 की वजह से जो आपकी जर्नी है, आपको उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो इसमें क्या होगा, ये अब थोड़ी सी जो जर्नी आपकी है उसको थोड़ा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल करने की कोशिश करेगा। किस तरह से करेगा, जिससे कि आपको पहले फिजिकल कॉपीज मिलती थी फॉर्म की, अराइवल में आपको फिल करना पड़ता था, वही फॉर्म अब आपको डिजिटलाइज मिल जाएगा एयर सुविधा पे, और आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। इससे आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये, तो ये जो लॉन्च किया है ये आपका सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नहीं किया है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, तीन मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इसे किया है। तीन मिनिस्ट्री में एक तो आपको पता है सिविल एविएशन आ जाएगी जो आपके सारा इसका ध्यान रखती है, दूसरा आ जाता है आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और तीसरा आ जाता है आपका एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ही हमारे इस समय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के भी हैं, और उन्होंने लॉन्च की थी एक ऐप जिसका नाम था मौसम ऐप, अभी IMD के फाउंडेशन डे पे। एक्सटर्नल अफेयर्स के कौन है, तो वो हैं आपके डॉक्टर एस जयशंकर जी। और इसी के साथ आपको एक और चीज़ बतानी है, डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी रिसेंटली एक बुक को भी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। IIT गुवाहाटी ने टाइप किया है, कोलैबोरेट किया है इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ, जिसके साथ ये एक नैनो पार्टिकल बनाएंगी जिसका नाम क्या है, वो है मेटा ग्रेड। तो ये आपको नाम याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है या डायरेक्टली कि किस इंस्टीट्यूट ने किया है टाइप इंपीरियल कॉलेज के साथ, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इंपीरियल कॉलेज ने किसके साथ किया है और किसके लिए किया है, तो वो है आपका मेटा ग्रिड। मेटा ग्रिड को याद रखना, एक नैनो पार्टिकल होगा। नेक्स्ट SII, अब SII क्या है, ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विद गावी एंड द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर एक MOU साइन किया है तीनों ने। क्या है ये है टू एक्सेलरेट द मैन्युफैक्चर और एंड डिलीवरी ऑफ COVID-19 वैक्सीन इन इंडिया। तो इनका टारगेट है बेसिकली कि 100 मिलियन डोसेस जो होंगे COVID-19 वैक्सीन के, 100 मिलियन के करीब करीब, उन्हें बना के किस तरह से हर एक जगह पे पहुंचाया जाएगा इंडिया में, जो लोग लो और मिडिल इनकम के हैं या कंट्रीज हैं जिस तरह से वहाँ पे, तो उनके लिए काम किया जाएगा इस पे। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। SII की अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है पुणे महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है, आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा न्यूज़ में, ये है साइरस एस पूनावाला जी। तो ये काम कर रहे हैं इस पे कि जिस तरह ये हो जाएगा, तो सारा आपका कोशिश ये की जा रही है, और कोशिश सबसे बड़ी बात अगर हम करें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, इनकी तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो लोअर मिडिल इनकम में आती हैं, मैंने आपको बताया था कि अभी रिपोर्ट आई है, चार तरह से इनकम में डिवाइड होती है, एक आ जाती है आपकी लो, एक आती है आपकी लो एंड मिडल, एक उसके बाद आ जाती है, और इंडिया आपकी लो एंड मिडल इनकम की कैटेगरी में फॉल करती है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ये तीन मिलकर कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो ICC ने रिटेन किया है इंडिया को एज अ होस्ट ऑफ 2021 मैन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, और ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है मैन T20 वर्ल्ड कप इन 2022। तो आपको पता है ये वर्ल्ड कप आपका अभी होना था 2020 में, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट करना था लेकिन नहीं हो पाया, तो ये ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट करेगी 2022 में। लेकिन जो 2021 का वर्ल्ड कप होगा आपका मैन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो आपका इंडिया में होगा। तो आपको ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि 2021 का होस्ट कौन करेगा, तो वो करेगा इंडिया। आप इसको इस तरह से कंफ्यूज मत करें कि 2020 का पोस्टपोन हो गए 2021 में होगा, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया 2022 में करेगा 2020 वाला जो आपका पोस्टपोन हुआ है। और इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। फॉर्मर MP और सीनियर कांग्रेस लीडर थे नंदी येल्ला जी, जिनका निधन हो गया है ड्यू टू COVID-19 इन तेलंगाना,
तेलंगाना बहुत सारी चीज़ों की वजह से न्यूज़ में था। तेलंगाना की कैपिटल है आपकी हैदराबाद, और क्विट इंडिया मूवमेंट आपका मनाया जाता है 8 अगस्त को, जिसकी 78th एनिवर्सरी थी। इस दिन गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई सारे इंडियंस को, कि जिससे उन्हें कहा गया था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाए। क्यों शुरू हुआ था तो थोड़ा सा आपको ये भी बता देते हैं कि फेलियर हुआ था आपके क्रिप्स मिशन का 1942 में, जिसके तहत गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, और एक बहुत ही बड़ा अपने आप में ही था जो मास सिविल डिसोबीडियंस मोशन था ये। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट। फ्लिपकार्ट ने साइन किया है MOU विद UP गवर्नमेंट अंडर ODOP। अब ODOP क्या है? ODOP आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ODOP है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ये लॉन्च की गई है, तो ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट इनिशिएटिव के तहत लॉन्च की गई है, इनके साथ यूपी गवर्नमेंट ने की है। यूपी गवर्नमेंट के हमारे CM है योगी आदित्यनाथ जी, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को MP का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि लालजी टंडन जो हमारे गवर्नर थे उनका निधन हो गया था। तो MP के भी जो गवर्नर हैं और यूपी के भी गवर्नर हैं इस समय, वो हैं आपकी आनंदीबेन पटेल। तो ये दोनों आपको इस तरीके से याद रखनी है चीज़ें। और DIIT पुणे, अब DIIT पुणे क्या है? ये है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक चलाया गया था HRD मिनिस्ट्री द्वारा। किसने जीता है ये? तो इसको जीता है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इन्होंने जीता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का। ये अगस्त 1-3 को शुरू हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था ये आपको मैंने बता दिया था पहले ही, कि HRD मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, जिनका नाम अब बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी रख दिया गया है। तो ये चीज़ें थी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 9th और 10th अगस्त के। मिलते हैं अब आप लोगों से 11th और 12th के करंट अफेयर्स के साथ। कोशिश करेंगे एक बार जितना हमारा बैकलॉग है वो कवर हो जाए, तो हम फिर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करेंगे, ताकि आपका भी सारा चलता रहे, और जो आपके टेस्ट पेंडिंग है वो भी आपके टेस्ट बहुत जल्द मैं कंडक्ट करवा दूंगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।